यस क्लास 8 न्यू चैप्टर क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। व्हाट इज क्यूब एंड व्हाट इज द क्यूब रूट्स। फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज क्यूब। क्यूब का मतलब क्या है? यदि हम लिखते हैं 2 पर पावर 3 तो इसको पढ़ेंगे 2 का क्यूब, 2 raised to the power 3 पढ़ेंगे या 2 पर पावर 3 पढ़ेंगे या 2 क्यूब्ड पढ़ेंगे। 2 का क्यूब मतलब यह हुआ 2 into 2 into 2 means 2 is multiplied 3 times, 2 is multiplied itself 3 times is 2 cube। उसी तरह से हमारे पास यदि 3 का क्यूब है तो क्या होगा, 3 into 3 into 3 होगा, और ये क्या हो जाएगा फिर 4 का क्यूब क्या होगा, 4 into 4 into 4 होगा। तो हम लोग इसके ऊपर 1 का भी क्यूब कर ही लेते हैं। 1 का क्यूब मीन्स 1 into 1 into 1 मीन्स 1, 2 का क्यूब मीन्स 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 4 4 या 16 4 या 64, 5 का क्यूब means 5 into 5 into 5 125। उसी तरह से 6 का क्यूब क्या होगा, 6 into 6 into 6 कितना होना चाहिए, आई थिंक 216 होना चाहिए। फिर आइए 7 क्यूब, 7 into 7 into 7 343 होना चाहिए। 8 का क्यूब 8 into 8 into 8 कितना आएगा, 512 होना चाहिए। 9 का क्यूब 9 into 9 into 9 कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 729 होना चाहिए। 81 को 9 से मल्टीप्लाई करके 9 1 9 9 8 20। 10 का क्यूब 10 into 10 into 10 मीन्स 1000 होना चाहिए। 11 क्यूब 11 into 11 into 11 1331 होना चाहिए। 12 क्यूब 12 into 12 into 12 ये कितना होना चाहिए, ये आना चाहिए 1728 होना चाहिए, 1728 ठीक है। तो ये हम लोग कैसे कर रहे हैं, हमको 1 का स्क्वायर पता था, 1 उसको 1 से मल्टीप्लाई किया 1 हो गया। 2 का स्क्वायर पता है 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 3 का स्क्वायर पता है 9 9 3 जा 27, 4 का स्क्वायर पता है 16 16 4 जा 64, 5 का स्क्वायर पता है 25 into 5 125, 6 का स्क्वायर 36 36 को हमने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई किया 36 3 6 18 2 16। 7 का स्क्वायर पालों में 49, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, 49 को 7 से कर लिया, 7 9 जा 63 6 28 3 34 343। 8 का स्क्वायर पालों में कितना होता है 64, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया 8 4 जा 32 3 8 6 जा 51 512। 9 का स्क्वायर पता है 81, उसको फिर 9 से मल्टीप्लाई कर लिया 9 1 जा 9 9 8 जा 72 729। 10 का स्क्वायर पता है 100, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया 1
1000 हो गया। 11 का स्क्वायर पता है 121, उसको 11 से मल्टीप्लाई किए 121, फिर 121 ऐड कर लिए 1331। 12 का स्क्वायर पता है, 12 का स्क्वायर 144, 144 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 फोर या 48, 4 12 फोर या 48 एंड 4 52, 5 12 वन या 12, 5 1728। तो दिस इज द वे। अब ये दिस नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब, दिस नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब। इस नंबर को हम लोग परफेक्ट क्यूब बोलते हैं। क्या कहेंगे? दिस नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब। ये सब परफेक्ट क्यूब है। अब ये सब हमको यदि पता करना हो कि 512 परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो हम इसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और उसको, इसको ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट बोलते हैं। ये ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट है, ये ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट कहलाएगा, ये ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट कहलाएगा, ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट कहलाएगा। तो हम इसका ये प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट बनाएंगे। ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट है इच प्राइम नंबर्स का, देन वी कैन से इट इज ए परफेक्ट क्यूब। नाउ क्वेश्चन इज नेक्स्ट, आई विल टेक द क्वेश्चंस। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि ऑड नंबर्स का क्यूब देखिए 127, 125, 343, 729, 1331, ये सब ऑड है। ऑड नंबर्स का, ऑड नंबर को देखिए, ऑड नंबर्स का क्यूब ऑड है। और इवन नंबर का क्यूब देखिए, इवन नंबर का क्यूब देखिए 864, 216, 512, 1000, 1728, ये सब इवन नंबर है, ये सब इवन है, ये इवन आ रहा है, इवन इवन नंबर सही। और ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है, ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ऑड नंबर है, यह भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि ऑड नंबर का क्यूब ऑड होगा, इवन नंबर का क्यूब इवन होगा। ठीक है, और भी इसके कुछ प्रॉपर्टी हम आगे देखेंगे। जो भी इवन नंबर्स का क्यूब है, इवन नंबर का क्यूब देखें, ये सब 8 का 8 से डिविजिबल है, इवन नंबर का क्यूब ये सब। नाउ सी प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर्स। क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज इवन, देख लीजिए जितने भी इवन नंबर्स हैं उसके क्यूब्स इवन है। क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑड, क्यूब ऑफ एन ऑड इज ऑड, ऑड जितने भी है उनका क्यूब्स ऑफ ऑड है। क्यूब ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ टू इज डिविजिबल बाय 8। जो जो टू का मल्टीपल है, टू का मल्टीपल देखिए, टू है, फोर है, सिक्स है, एट है, टेन है, ट्वेल्व है, ये सब 8 से डिविजिबल होगा। जो भी टू का मल्टीपल है 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, 8 से इसको डिवाइड कीजिए, ये भी 8 से डिविजिबल होगा। 8 टू जा 16, 5 6 8 7 जा 56, ये भी डिविजिबल है, ये भी 8 से डिविजिबल है, यह भी 8 से डिविजिबल है, ये भी 8 से डिविजिबल है। जो भी 2 का मल्टीपल है वो सब 8 से डिविजिबल होगा। क्यूब ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 3 इज डिविजिबल बाय 27। जो 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल कौन है? ये है 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, ये सब 27 से डिविजिबल होगा। 3 का मल्टीपल,
थ्री का मल्टीपल, थ्री का मल्टीपल का क्यूब, थ्री के मल्टीपल का क्यूब, ये सब नंबर 27 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आप डिवाइड करके दे सकते हैं, ये सब 27 से डिविजिबल नंबर है। ठीक है, क्यूब ऑफ निगेटिव नंबर इज ऑलवेज निगेटिव। -2 का क्यूब निकालिए, -8 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम लिखेंगे -2 × -2 × -2, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस एंड 2 × 4 × 8 तो -8 होगा। उसी तरह से -4 का क्यूब निकालिए या -6 का क्यूब निकालिए, क्या आएगा? -6 × -6 × -6, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस एंड 6 × 6 × 6 216, 6 × 6 = 36, 36 × 6 = 216। तो कोई भी निगेटिव नंबर है तो उसका क्यूब हमेशा निगेटिव आएगा। क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं ये सब पॉजिटिव नंबर का ही क्यूब है, तो दीज आर पॉजिटिव। आपका काम क्या है कि ये परफेक्ट क्यूब्स जो है इसको याद करना, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 123, 6 का क्यूब 243, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728। यदि आप 20 तक का क्यूब याद रखते हैं तो आपको कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, इतना तो जरूर ही याद कर लीजिएगा। नाउ वी विल टेक अनदर क्वेश्चन। यस, एग्जाम्पल वन इज 216 ए परफेक्ट क्यूब। कैसे पता करेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं? तो हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, मींस 216 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। कितना से जाएगा? 2 से जाएगा। कितना होगा? इसको हम लोग इस साइड में करते हैं, 216 का प्राइम फैक्टर्स इधर निकालते हैं। 216 दिस इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा नहीं है कि वहां नहीं, कॉपी पर ही फ्रंट पेज पर करना है। 2 से कीजिए, कितना आएगा? 108 आएगा। फिर 2 से कीजिए, कितना आएगा? 54 आएगा, 54। फिर 2 से जाएगा, कितना आएगा? 27। अब ये 3 से जाएगा, 3 से कीजिएगा 9, 9 × 3 = 27। फिर 3 से जाएगा 3 times। नाउ वी कैन राइट हियर 216 = 2 × 2 × 2, ये 1, 2, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। अब हम लोग 3, 3 का ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट बोलते हैं। 3, 2 का ग्रुप बन गया, ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट। इस 3 का ग्रुप बनाइए, ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट में कोई भी प्राइम फैक्टर्स ऐसा नहीं है जो ग्रुप में नहीं है, तो सारा जो भी प्राइम फैक्टर्स है सबका ग्रुप बन रहा है, ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट बन रहा है। इसका मतलब ये है, दिस इंप्लाइज दैट 216 इज ए परफेक्ट क्यूब, इज ए परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब है, किसी ना किसी नंबर का ये क्यूब है। चलिए इसको चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? 1323 है, इसको देखिए कि ये 2 से तो पक्का नहीं डिविजिबल है। 3 से चेक करते हैं, 3 × 5 = 9, ये हो जाएगा, 3 से जाएगा। 3 × 3 = 12, 1 × 2 = 12, 3 × 4 = 12, 3 × 1 = 1। अब देखिए कितना से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 4 × 4 = 8 और 1 = 9 है, 3 times। फिर 3 से जाएगा,
तो 3 1 जा 1 4 3 4 जा 2 1 3 7 जा। अब ये देखिए 3 से जाएगा या नहीं, 4 1 ये 5 है 7 12 फिर 3 से जाएगा है 3 4 जा 12 2 7 3 9 जा 49 आया। फिर अब देखिए ये तो अब 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 9 and 4 11 13 हो रहा है, 13 3 से डिविजिबल नहीं है इसलिए ये नहीं जाएगा, 7 से जाएगा 7 7 जा। नाउ वी कैन राइट 1323 इज इक्वल टू 3 × 3 × 3 × 7 × 7 ये सारा हमने लिख लिया प्राइम फैक्टर्स 3 3 3 7 7। अब ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट बनाएंगे, 3 का बन रहा है 7 का ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट नहीं बन रहा है इसलिए ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। यदि 7 का भी ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट बन जाता तब ये परफेक्ट क्यूब होता, लेकिन 7 का ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट नहीं बन रहा, 2 ही है 7, 3 7 चाहिए था तब ये ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट बन रहा। सो 1323 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब नहीं है। नाउ वी विल टेक अनदर क्वेश्चन। यस नेक्स्ट एग्जांपल इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस मे बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे इसको मल्टीप्लाई करने से ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे इसको मल्टीप्लाई करने से ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हम लोग क्या करेंगे 30387 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। पहले चेक कीजिए 3 से जाएगा या नहीं, 3 से जा रहा है, 3 से डिविजिबल है तो 3 से कीजिए, 2 से नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट इज नॉट इवन और 0 तो 3 से जाएगा 1 टाइम्स 0 है 0 होगा, फिर 2 टाइम्स जाएगा और 2 7 है तो 9 टाइम्स, फिर आप देखिए 3 से डिविजिबल है 9 2 11 and 1 12 3 3 जा 9 1 बचा 1 2 3 4 जा 3 3 जा। अब किससे जाएगा 3 से जाएगा या नहीं, अब नहीं जाएगा 3 से, अब 7 से जाएगा, 7 का क्यूब है 343, याद रखने से फायदा करता है, कैलकुलेशन में हेल्प करता है 3 7 से तो 7 4 जा 28 माइनस गया 6 3 7 9 जा, फिर 7 से 7 7 जा। तो अब हम लिख सकते हैं 3087 इज इक्वल टू 3 × 3 × 7 × 7 × 7। ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट बनाएंगे तो 7 का तो ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट बन गया लेकिन 2 और 3 का ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। ये हमसे कहता है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यह परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो देखिए तो यदि हम 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दे तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, तब 3 का ट्रिपलेट बन जाएगा, ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट 3 का ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट बन जाएगा 1 3 मल्टीप्लाई करने से। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस मे बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब, मींस 1 3 से मल्टीप्लाई करने से ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। सो द स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर नंबर बाय विच 3087 may be multiplied to make the product perfect cube।
टू मेक द प्रोडक्ट प्रोडक्ट परफेक्ट क्यूब परफेक्ट क्यूब इज इक्वल टू थ्री दैट्स कॉल्ड नंबर बाय विच दिस मे बी मल्टीप्लाइड टू मेक द प्रोडक्ट परफेक्ट क्यूब इज थ्री थ्री से मल्टीप्लाई करने से ये नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाएगा. इससे आगे नहीं कुछ कर रहा है इसलिए दिस इज द सॉल्यूशन. नाउ टेक द अनदर वन. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3087 यही नंबर है. स्मॉलेस्ट नंबर ही मांग रहा है. कौन सा नंबर? तो 3087 मस्ट बी डिवाइडेड है सो दैट द कोसेंट इज ए परफेक्ट क्यूब. ताकि कोसेंट परफेक्ट क्यूब हो जाए कितना से डिवाइड करें तो काम वही करना है. इसका आप प्राइम फैक्टर्स यदि निकालेंगे तो यही आएगा. आप जो ऊपर निकाले हुए हैं 3 से 1029 जाएगा. फिर 3 से कीजिएगा 1043 आएगा. 343 आएगा. फिर 7 से कीजिए 49. फिर 7 से कीजिए 7 आएगा. मीन्स इसका प्राइम फैक्टर्स क्या होगा? 3087 का प्राइम फैक्टर्स आएगा 3 × 3 × 7 × 7 × 7. ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट बनाएंगे तो ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट 7 का बन रहा है. इसका नहीं बन रहा है. यहां का यहां मल्टीप्लायर नहीं है, यहां डिवाइड है. डिवाइड यहां मल्टीप्लायर था, यहां डिवाइड है. मैं किससे डिवाइड कीजिएगा कि ये परफेक्ट हो जाए? तो देखिए यदि ये दो हटा दे, इसका ट्रिपलेट नहीं है, इसका ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट नहीं बन रहा है. यदि हम इसको हटा दे तब जो नंबर बचेगा वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा. तो हमको इस नंबर को 3 × 3 9 से डिवाइड करना होगा. इस नंबर को 3 × 3 से डिवाइड करेंगे तब ये परफेक्ट क्यूब होगा. तो हम लोग क्या लिखेंगे? द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3087 must be divided to make the quotient a perfect cube is equal to 3 × 3 that is 9 होगा. the smallest number by which 3087 must be divided to make the quotient a perfect cube is 9. This is the right answer. Next day we will do worksheet 1. Thank you for watching the video.